तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। एक बार फिर से हम आ चुके हैं अपने श्याम बाबा के दरबार में और मंदिर बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देख सकते हैं कि मैंने जब भी ये मंदिर देखा तो मुझसे रहा नहीं जाता इसके अंदर जाए बिना। तो मैं ज़रूर जाता हूँ मंदिर में जब भी जाता हूँ, और इस फागुन के महीने में तो काफ़ी बहुत ही सुंदर लग रहा है मंदिर, क्योंकि इस समय भक्तों की बहुत ज़्यादा भीड़ है और होली भी खेली जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि वृंदावन में भी होली खेली जा रही है, तो इस मामले में हमारा आगरा के पीछे रह जाए तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा मंदिर को सजाया गया है, डेकोरेट किया गया है और यहाँ पर होली का भी पर्व मनाया जा रहा है और कई सारियाँ झांकी वगैरह भी निकलती हैं। हमारे जितने भी देवी देवताओं की जो झांकियाँ हैं वो सारी निकलती हैं यहाँ पर। तो बहुत ही मंदिर का अच्छा जो एक वातावरण है, बहुत ही अच्छा वातावरण रहता है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मंदिर पर लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है, अब तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। तो ये सब देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी बहुत ही अच्छा लगा होगा ये सब। तो काफ़ी ही भीड़ ज़्यादा रहती है और फोटो ज़्यादा अलाउ नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये सब जो बनाया गया है मंदिर में, ये सभी थर्माकोल से बनाया गया है। जो हमारे बजरंगबली जी आपको दिख रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, और जो हमारे यहाँ पर जितनी भी भीड़ आ रही है वो बहुत ही खुश और बहुत ही प्रसन्न हो जाती है ये सब देख के। तो रुकिए, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि आप अपने वीडियो बहुत ही फास्ट बोलते हैं, तो मैं आप स्लो बोलने की कोशिश करूँगा। क्यों पता नहीं मैं बहुत ही ज़्यादा तेज़ बोलता ही हूँ, तेज़ क्या मतलब बहुत ही ज़्यादा फास्ट बोलता हूँ। तो मैं कोशिश किया करूँगा कि आपको बहुत ही अच्छे से समझा पाऊँ बहुत ही स्लो। तो ट्राई करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मंदिर काफ़ी बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो मैंने मंदिर में श्याम बाबा जी के दर्शन किए और जो भीड़ आते हैं तो वो भी श्याम बाबा जी के दर्शन करते हैं, भक्त आते हैं और उनके साथ में बाबा जी के साथ में फ़ोटो लेते हैं, मंदिर के साथ में फ़ोटो लेते हैं। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर इसलिए आते हैं कि एक फ़ोटो ले सके बाबा जी के साथ में, तो उनको भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये देखिए काफ़ी सारे झंडे यानी कि निशान पड़े हैं और काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं, तो बहुत ही एक अच्छा माहौल रहता है यहाँ पर मंदिर का। तो अगर अभी आप आगरा के खाटू श्याम मंदिर नहीं आए हो जो कि है जीवनी मंडी पर, तो आप क्यों नहीं आए हो तो आइए। अगर आप आगरा में रहते हैं तो ज़रूर आइए, क्योंकि आगरा में रहकर आप खाटू श्याम मंदिर ना घूमें तो ये बहुत ही बेकार की बात है। आप खाटू श्याम जाते हैं तो एक बार यहाँ पर भी आइए खाटू श्याम आगरा में। तो ये देखिए बाबा जी हमारे सामने आ चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा भक्तों का सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है, भक्तों का सैलाब। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अच्छा लगता है और भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि देखकर मन ही नहीं होता जाने का कहीं पर, बहुत ही अच्छा लगता है। तो बहुत ही प्यारा मंदिर लगता है। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। तो अब मैं भी इस वीडियो को यहाँ पर एंड करता हूँ। तो कैसे लगी आपको ये वीडियो बाबा जी की? तो जय हो बाबा श्याम, जय हो बाबा श्याम, जय हो बाबा श्याम।